दोस्तों, बेंगलुरु और मैसूरू के बीच लगभग 8000 करोड़ रुपए की लागत से एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 मार्च को 120 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ लगभग 16000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो मार्च 2018 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। प्रोजेक्ट के तहत NH 275 के बेंगलुरु निदागटा मैसूरु सेक्शन को 6 लेन में एक्सपेंड करने का काम किया गया है। 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 फेजेस में किया जा रहा है, जिसमें पहले फेज के तहत 58 किलोमीटर लंबे सेक्शन के जरिए बेंगलुरु को निदागट्टा से जोड़ा जाएगा और दूसरा फेज निदागट्टा से मैसूर के बीच होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए बेंगलुरु और मैसूर के बीच जो ट्रेवल टाइम है उसे लगभग 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 75 मिनट तक कम कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे के अधिकांश हिस्सों को ट्रैफिक कम्यूटेशन के लिए पहले ही चालू कर दिया गया था और फरवरी में मांड्या बाईपास और 7 किलोमीटर लंबे श्री रंगापटना बाईपास के ओपन होने के साथ ही ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर, 9 मेजर ब्रिज, 42 माइनर ब्रिज, 64 अंडरपास, 11 ओवरपास, 4 रोड ओवर ब्रिज और 5 बाईपास का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के मदद से श्री रंगापटना, कुर्ग, ऊटी और केरला जैसे रीजन के बीच कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। कर्नाटका विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मैसूरु कुशालनगर 4 लेन हाईवे के लिए शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी हुबली स्टेशन के साथ साथ हुबली में 850 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप्ड IIT धरबड़ा को भी देश को समर्पित किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत में एक्सप्रेसवे को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।